हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। यह बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अंदर है, यूनिट नंबर सेकंड में। विद्यार्थियों, हम आज संख्यात्मक समाकलन अर्थात न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके ऊपर चर्चा में हम न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन के ऊपर कैसे डिफरेंशिएशन निकाले जाते हैं उन पे आपको बताया जाएगा। जैसे एक नंबर इक्वेशन देखिए, ये हमें पता है, यह न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, इसको कहते हैं फॉर्मूला एफ ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस डैश डैश डैश। एक नंबर इक्वेशन देखिए। अब विद्यार्थियों, यू के सापेक्ष अवकलन करो दोनों तरफ, तो फलन है तो डैश लग गया, अंदर यू के सापेक्ष करोगे तो एच बाहर आ जाएगा, इधर राइट हैंड में करोगे तो एफ ए अचर है तो उसका जीरो हो जाएगा, फिर यू सेकेंड टर्म यू डेल्टा एफ ए यू का वन आ जाएगा, फिर थर्टी टर्म देखिए एक नंबर की, इसको यू स्क्वायर माइनस यू पढ़ सकते हो ऊपर अपॉन फैक्टोरियल टू, तो यू स्क्वायर का टू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू यू माइनस वन यू माइनस टू को आप गुणा कर लीजिए, फिर आप इसका यू के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके तीसरी टर्म का डिफरेंशिएशन आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से चलता जाएगा। अब ये एच जो आया है लास्ट वाली लाइन देखिए, एच जो आया है उसमें आप इसको राइट हैंड की तरफ भेज दीजिए, तो एफ डैश ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एक बटा एच ब्रैकेट डेल्टा एफ ए प्लस टू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस थ्री यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू प्लस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस डैश डैश डैश। तो ये अपनी दो नंबर समीकरण है, ये दो नंबर समीकरण है, ये आपको सीधे भी याद रख सकते हो और आपको डिराइव करनी भी आनी चाहिए। द्वितीय अवकलज, अब जो दो नंबर समीकरण आई है इसका आप पुनः u के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो लेफ्ट हैंड में एक डेरिवेटिव और लग जाएगा f डबल डैश a प्लस यू एच आ जाएगा, फिर u के सापेक्ष कर रहे हो तो h बाहर आ जाएगा, और इधर दो नंबर इक्वेशन के राइट हैंड में देखिए तो डेल्टा एफ ए का यू नहीं है इसके पास तो जीरो, फिर टू यू माइनस वन का टू आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस थ्री यू स्क्वायर माइनस सिक्स यू प्लस टू का यू के सापेक्ष करोगे तो सिक्स यू माइनस सिक्स अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस डैश डैश डैश। आप देखिए ये जो एच आया है इसको फिर आप राइट हैंड में भेज दीजिए तो एच इंटू एच एच स्क्वायर आ जाएगा, तो कुल मिला के एफ डबल डैश ए प्लस यू एच इज इक्वल टू एक बटा एच स्क्वायर ब्रैकेट में डेल्टा स्क्वायर एफ ए प्लस यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल वन डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस डैश डैश डैश। ये तीन नंबर समीकरण है। अगर आपको प्रथम अवकलज पूछा जाए तो आप दो नंबर समीकरण लगाए, और आपको अगर डबल डेरिवेटिव पूछा जाए, द्वितीय अवकलज पूछा जाए, तो आप तीसरी नंबर समीकरण लगाइए। ये फॉर्मूले आपको अच्छे ढंग से डिराइव करने आने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको एक नंबर समीकरण, आपको जो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, फिर यू के सापेक्ष आपने अवकलन किया इसका दोनों तरफ, तो आप दो नंबर समीकरण में आइए और फिर इसका पुनः अवकलन करोगे यू के सापेक्ष तो आप तीन नंबर समीकरण में आ जाओगे। अब हम इसके ऊपर आधारित एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको पूछी जाती है, फाइंड एफ डैश 1.1 एंड एफ डबल डैश 1.1 फ्रॉम द फ्लोइंग टेबल। आपको एफ डैश
एक पॉइंट एक और एफ डबल डैश एक पॉइंट एक ज्ञात करना है इस टेबल से। टेबल आपको दे रखी है एक्स और एफ एक्स, एक्स की वैल्यू देखिए 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0। एफ एक्स है वन दे रखा है 0.1280, फिर 1.4 पे दे रखा है 0.5440, 1.6 पे दे रखा है 1.2960, 1.8 पे दे रखा है 2.4320 और 2.0 पे दे रखा है 4.000। ये आपको वैल्यू दे रखी है, ये टेबल आपको गिवन है। आपको इस टेबल की सहायता से एफ डैश 1.1 निकालना है और एफ डबल डैश 1.1 निकालना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको एक डिफरेंस टेबल बनानी होती है, इसको हिंदी में अंतर सारणी कहते हैं। इसका आप देखिए कुल मिला के इसमें 7 कॉलम है, आप देख लीजिए इसमें 7 कॉलम है। एक तो एक्स है, एक एफ एक्स है, फिर फर्स्ट डिफरेंस है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ डिफरेंस है। तो इस तरीके से आप इनको गिन सकते हैं कि ये 7 आपके कॉलम है। प्रथम कॉलम में देखिए कि कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, जो एक्स की वैल्यू है वो प्रथम कॉलम में आ गई, क्लियर हो गया आपके। द्वितीय कॉलम में आपने कौन सी वैल्यू लिखी है, जो एफ एक्स की वैल्यू है वो लिखी है सारी। फिर फर्स्ट डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंस में जो वैल्यू आई है ध्यान से देखिए, फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यू 0.1280। यह कैसे मिलेगी आपको, ध्यान दो ये 0 और 0.1280 के बीच में लिखी हुई है, तो आप कैलकुलेटर से 0.1280 में से 0 घटा दीजिए, ये यहाँ लिखना है। फिर द्वितीय थर्ड कॉलम में द्वितीय वैल्यू देखिए 0.4160, ये वैल्यू कैसे आएगी, 0.5440 में से 0.1280 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 0.4160। तीसरी वैल्यू देखिए 0.7520, ये कहाँ से आएगी, तो ये आ जाएगा 1.2960 में से 0.5440, ये घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 0.7520। फिर फोर्थ वैल्यू है वो देखिए कैसे आएगी, 2.4320 में से 1.2960 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 1.1360। इस तरीके से तृतीय कॉलम के लास्ट वैल्यू है वो 4.00 में से 2.4320 घटाओगे तो ये आपको यहाँ लिखी जाएगी। चतुर्थ कॉलम देखिए, चतुर्थ कॉलम में आप देखिए 0.1 पहली वैल्यू है 0.2880, ये कैसे लिखी जाएगी, 0.4160 में से 0.1280 तृतीय कॉलम वाली वैल्यू 2 घटा के यहाँ लिख दीजिए। ध्यान रखें कैलकुलेटर में पहले नीचे की वैल्यू लिखो फिर ऊपर की। तो इस तरीके से आप ये डिफरेंस टेबल बना लीजिए। डिफरेंस टेबल के आपके एग्जामिनेशन में नंबर होते हैं और आपको इनको बनाना आना चाहिए, तो ये आपके डिफरेंस टेबल आपको प्रॉपर आनी चाहिए। अब देखिए इसका प्रथम अपने को देखो टेबल क्वेश्चन में दे रखा है एफ डैश 1.1 और एंड एफ डबल डैश 1.1 निकाल लिए। विद्यार्थियों इनमें न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि 0.1.1 है वो देखो टेबल में एक्स की वैल्यू देखो 1, 1.2, 1.4, 1.1 शुरुआत में ही मिल गई। जब भी आस्किंग वैल्यू जो होती है यानी पूछी गई वैल्यू जो होती है वो अगर टेबल के शुरुआत में मिल जाए तो आपको न्यूटन ग्रेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र लगाना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो हमने न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र से प्रथम अवकलज का वो लिख लिया फॉर्मूला। हमें ज्ञात क्या करना है एफ डैश 1.1, ये ध्यान दो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। पहले वो फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला कहाँ से लिखा आपको शुरू में ही हमने देखो डिराइव करके बताया था, 2 नंबर समीकरण वो लिख दिया। वो लिखने के बाद में अपने को देखो निकालना क्या है, हमें ज्ञात करना है एफ डैश 1.1। एफ डैश 1.1 निकालना है, इसका मतलब आप फॉर्मूले में देखिए LHS में एफ डैश 1.1 का मतलब a प्लस यू एच का मान 1.1 है। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पर a का मान 1.1 किसके नज़दीक है, टेबल में देखिए 1.1 किसके नज़दीक है, वो 1 के नज़दीक है 1.1। तो इसको अपन क्या कहते हैं,
वन लिख दिया। यू एच 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 का मान कितना है देखो, एच का मान के लिए आप टेबल देखिए, शुरुआती क्वेश्चन वन, एक्स का मान देखिए वन, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, इनमें जो अंतर है 0.2 का है, इसी को एच कहते हैं। तो ये आपने एच का मान भी यहाँ रख दिया 0.2, तो फिर आप ये सॉल्व होके यू का मान आपके पास में 0.5 आ गया। अब आप वैल्यू पुट करना शुरू करें, जो ऊपर प्रथम अवकलज दे रखा है इस समीकरण में, एफ डैश 1.1 बराबर 1 बट्टा एच, एच 0.2 है, फिर ब्रैकेट ऑन डेल्टा एफ ए, डेल्टा एफ ए देख लीजिए आपके पास में पॉइंट, टेबल में देखिए 0.1280, इसको डेल्टा एफ ए कहते हैं। तो ये वैल्यू आपने यहाँ रख दी, प्लस 2u, ऊपर देखिए 2u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो 2u का मान 0.5 निकाला, माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, डेल्टा स्क्वायर एफ ए, डेल्टा स्क्वायर एफ ए आ गया आपका 0.2880। तो ये आ गया, फिर 3u स्क्वायर, तो 3u स्क्वायर का मान 0.5 है स्क्वायर, माइनस 6u, 6.5, 6 इंटू 0.5 प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, फिर डेल्टा क्यूब एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए आपके पास में आ गया 0.0480, ये आ गया। इन सब को जब आप कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से, तो ये एफ डैश 1.1 इज इक्वल टू 0.630 आ गया, ये आंसर आ गया। इस तरीके से आप द्वितीय अवकलज, द्वितीय अवकलज के लिए आपने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया वही देखो, आपको शुरू में ड्राइव कराया था फॉर्मूला, 3 नंबर सेमीकरण देखिए, वो का वो फॉर्मूला आपने लिख लिया आराम से, देखिए ये फॉर्मूला लिख लिया आपने, फिर 1 अपॉन h स्क्वायर, तो एच देखिए आपको पास में यहाँ बॉक्स में देखिए 0.2 है, तो 1 अपॉन 0.2 का स्क्वायर, ब्रैकेट में डेल्टा स्क्वायर एफ ए 0.2880, ये आ गया, प्लस यू माइनस वन, यू माइनस वन क्या होता है, यू 0.2, यू का मान कितना निकाला था 0.5, तो ये आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 0.5 होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0.5 माइनस 1 बटा फैक्टोरियल 1, ये होगा, तो गलती से वो 0.2 लिख दिया, तो 0.5, फिर डेल्टा 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 स्क्वायर एफ ए, डेल्टा क्यूब एफ ए, इसकी वैल्यू टेबल से आपने लिख के रख दी 0.0480 प्लस 0, ये कैलकुलेट होके आपके पास में कुल मिला के आ जाएगा एफ डबल डैश 1.1 इज इक्वल टू 6.60। तो ये आपके पास में जो है एक क्वेश्चन था अवकलज का, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का, यह आप समझ गए होंगे। तो इस तरीके से अपने को इन प्रॉब्लम्स को करना है, और भी इसी टाइप के आपके एग्जांपल्स हैं किताब में, तो आप उनको कर सकते हैं। टेबल के ऊपर पूरा क्वेश्चन आधारित होता है, तो आपको टेबल ढंग से बनानी है, फॉर्मूले में सही वैल्यू पुट करनी है, और कैलकुलेट ढंग से करनी है। धन्यवाद।